कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज खराब हो। एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है डॉक्टर से बीच में, और इवन अफसोस होता है कि हम लोग क्यों इस प्रोफेशन में आएंगे। इन डॉक्टरों की हकीकत क्या है कोई जानता नहीं है। देश में डॉक्टर और मरीजों के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। अगर हम WHO के मानक की बात करें, यानी कि डॉक्टर और मरीजों के अनुपात की बात करें, तो वो 1:1000 का है, यानी कि 1000 मरीज पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन यूपी में ये रेशियो कभी भी बैलेंस नहीं रहा है, कह सकते हैं कि कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। लिहाजा डॉक्टरों पर मरीजों का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, और नौबत कभी कभी मारपीट की भी आ जाती है। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होम टाउन गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में, और जानते हैं कि यहाँ का हाल क्या है। देखिए, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज ख़राब हो, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा करे, ना ही उसके पास इतना टाइम होता है कि वो लड़ाई झगड़ा करे। ठीक है, अगर 100 मरीज भर्ती होते हैं उसमें सिर्फ एक अटेंडेंट के साथ मारपीट होती है, इसके पीछे वजह यही होती है कि उनके साथ 4 तीमारदार होते हैं। तो बहुत बार ऐसे मरीज आते हैं जिनको कुछ भी कर लिए बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और ये मरीजों के घर वाले ये एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होते। हार सके कोई रोड एक्सीडेंट करके आ गया, ठीक है, उसको नहीं बचा पाए, तो एक्सीडेंट क्या हुआ, कोई टक्कर दारू पी गाड़ी चला रहा था या और कुछ कर गाड़ी चला रहा, तो उनको लगता है कि बस हम उनको बचा ही दें। मतलब क्यों, डॉक्टर हर चीज़ गलती, सारी बाहर की सारी गलतियाँ सारी डॉक्टर के ऊपर डाल दी जाती हैं। कोई ड्यूटी आवर्स हमारी फिक्स नहीं है, कभी 36 घंटे लगती है, 36 घंटे करने पड़ते हैं फर्स्ट डे में लगातार, फिर थोड़ा सा ऑफ मिलता है, थोड़ा सा सबको करना ही करना है, 18 घंटे तो करते ही करते हैं। हम आपको लेके आए हैं इस समय गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर जहाँ पे रहते हैं, रेजिडेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पे। सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि ये इनका वॉशरूम है, जहाँ पे ये वॉशरूम है। आप देखिए कि ये बेसिंग है, जब भी डॉक्टर को माना जाता है कि जब भी ये निकलते हैं तो बगैर सेविंग किए नहीं निकल सकते, लेकिन शीशे टूटे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि नल से पानी गिर रहा है। ये इनका वॉशरूम है, आप इसकी स्थिति देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर यहाँ पे रह रहे होंगे। ये यूरिनल पॉट्स हैं, हमें लगता है कि जब ये बिल्डिंग बनी होगी उस समय जो फ्लश लगे होंगे वही लगे हैं पूरी तरह से। अभी बारिश होगी तो सांप निकलेंगे सब। अब जैसे यहाँ पे, जैसे देखिए, अब यहाँ पे जैसे है सांप निकलेंगे तो कहाँ पे? अब जैसे ये सब है, अब यहाँ से सांप निकलेगा तो कहाँ जाएगा, बस जिधर पाएगा। अच्छा, बहुत गंदगी है तो अब उधर से बारिश होगी तब निकलते हैं सब। मतलब कि हर साल तो 3-4 सांप दिखाई दे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है डॉक्टर से बीच में, और इवन अफसोस होता है कि हम लोग क्यों इस प्रोफेशन में आएंगे। अगर 10 साल के आदमी रात दिन मेहनत करे, उसके बाद में ऐसे ह्यूमिलेशन झेले, तो उससे आदमी को अफसोस होने लग जाएगा कि हमने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया है। अभी जैसे कोई मार दंगा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमें टेम्प्रोरी जो है 2-4 दिन के लिए हमें सिक्योरिटी दी जाती है, उसके बाद परमानेंट कोई हमें परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं किया जाता हम लोग साथ में। एक परमानेंट सोल्यूशन मतलब जैसे एक सिक्योरिटी दी जानी चाहिए यहाँ पर, एक प्रॉपर में, बाकी जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होते हैं।